हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक चैनल। मैं सब सत्यम तिवारी। दोस्तों, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन को लेकर कुछ स्टूडेंट क्वेरी जा रही है कि उनका फ़ी जो है रिफंड अभी नहीं आया है विड्रा करने पर। और दोस्तों, कुछ स्टूडेंट के ये भी क्वेरीज है कि हॉस्टल फैसिलिटी क्या है DU वेटिंग में एडमिशन के बाद। दोस्तों, कुछ स्टूडेंट का क्वेरीज है सीट को विड्रा करने के बाद रिफंड को लेकर परेशानी है, और कुछ स्टूडेंट को क्वेरीज है हॉस्टल फैसिलिटी के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, इससे पहले कि वीडियो आगे बढ़े, आप चैनल सब्सक्राइब करिए, क्योंकि दोस्तों वीडियो को देखने वाले स्टूडेंट बहुत हैं। जो रेगुलर बहुत स्टूडेंट ऐसे हैं जो रेगुलर वीडियो को देखते हैं लेकिन वो चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं, क्योंकि दोस्तों यही एक चैनल है जो DU BTEC से रिलेटेड आपका रेगुलरली वीडियो डाल रहा है। दोस्तों, आप जो है चैनल को 1000 सब्सक्राइबर जल्द ही कम्प्लीट करवाइए, क्योंकि चैनल पर आपको लगातार वीडियोज आ रही हैं। क्योंकि दोस्तों, अगर वीडियोज़ का रिस्पॉन्स अच्छा रहता है, चैनल पर सब्सक्राइब आते रहते हैं, तभी आगे का वीडियो आपका डालने में मोटिवेशन मिलता है, तभी आगे का जो है वीडियो टाइम मैनेज करके आपका डाला जाता है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आगे आने वाले समय में आपको वीडियो मिलती रहे इस चैनल पे, तो आप चैनल सब्सक्राइब किए रहिए। तो दोस्तों, अगर बात करें, कुछ स्टूडेंट के बीच में कन्फ्यूजन बना हुआ है कि DU में फ़ी रिफंड को लेकर, जो विड्रा करने पे फ़ी रिफंड अभी उनका नहीं आ पाया है। तो दोस्तों, आपको बता दें, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पूरा एडमिशन प्रोसेस होने के बाद ही जो है फ़ी रिफंड आपका किया जाता है। तो अभी जो है, अगर बात करें पिछले साल की, तो पिछले साल में जो है फ़ी रिफंड होने में, एडमिशन कंप्लीट होने के बाद 2-3 महीने लग गए थे, क्योंकि दोस्तों बहुत लेट हुआ था। लगभग जनवरी में आपका फ़ी रिफंड आया था, लेकिन दोस्तों इस बार बात किया जाए तो आपका मिनिमम दो महीने आपका फ़ी रिफंड मिल सकता है दोस्तों, क्योंकि पूरा एडमिशन कंप्लीट होने के बाद ही आपका फ़ी रिफंड किया जाता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन फ़ी रिफंड आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी सभी कर देता है। किसी का भी स्टूडेंट का पैसा जो है नहीं लिया जाएगा, क्योंकि फ़ी रिफंड आपका कर देता है, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि पूरा एडमिशन प्रोसेस होने के बाद ही आपका फ़ी रिफंड किया जाता है। तो दोस्तों वहीं कुछ क्वेरीज हैं आपका हॉस्टल से रिलेटेड, हॉस्टल फैसिलिटीज। दोस्तों, अगर बात करें DU में हॉस्टल जल्दी नहीं मिल पाता है जो स्टार्टिंग है, सो हॉस्टल बहुत कम हॉस्टल है, इसलिए जो है दोस्तों आपको हॉस्टल मिलना मुश्किल है, क्योंकि अभी एडमिशन आपका लास्ट राउंड जिनका एडमिशन हुआ है उनके लिए हॉस्टल नहीं मिल पाए, क्योंकि हॉस्टल पहले बुक हो चुके होंगे जितने हैं। और दोस्तों, उसके बाद हॉस्टल का क्राइटेरिया रहता है कितना आपका दिल्ली से कितना, अगर जिनका ज़्यादा दूर घर रहता है, जैसे अगर 200 से 50 किलोमीटर के अंदर रहते हैं उनको हॉस्टल फैसिलिटी नहीं मिल पाती। जिनका जो है DU से डिस्टेंस के अकॉर्डिंग और कुछ रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग आपको हॉस्टल यहाँ प्रोवाइड किया जाता है, खासकर गर्ल्स को जो है हॉस्टल यहाँ मिलने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो दोस्तों, इसलिए आपको प्राइवेट PG फ्लैट वगैरह मिल जाएंगे कॉलेज के बगल। अगर दोस्तों वहाँ पर नहीं मिलता, तो उसके बगल में GTV नगर विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन के बगल में आपका GTV नगर है, वहाँ पे आपको सस्ते हॉस्टल्स वगैरह, सस्ते PG रूम वगैरह मिल सकते हैं दोस्तों। और नहीं तो मुखर्जी नगर में भी आप रह सकते हैं, जो कि 15 मिनट का रास्ता है आपके कॉलेज से मुखर्जी नगर का। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं हॉस्टल PG से रिलेटेड वीडियो, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेरी पुट कर सकते हैं। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि दोस्तों यही एक चैनल है लगातार जो है वीडियो आपका प्रोवाइड किया जा रहा है। दोस्तों, इस चैनल को 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाइए जल्द ही। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आई होगी। कोई और क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स पुट करिए। थैंक यू।